नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप यू आर फाइन। मैं अजीत सिंह अपने यूट्यूब चैनल अजीत सिंह चावड़ा वकील जी में आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। दोस्तों, अभी इन दिनों समर वैकेशन चल रहा है और मैं अपनी फैमिली के साथ बच्चों को घुमाने के लिए आसपास के और थोड़ी दूर के पैलेस में घूमने निकला हूँ, इसलिए अभी वीडियो नहीं डाल पा रहा। दोस्तों, अभी पिछले दिनों में गजनेर पैलेस इन द एरिया ऑफ गजनेर पैलेस ये देखना, ये हाँ गया था। ये गजनेर पैलेस जो है वो बीकानेर से 34 किलोमीटर दूरी पर जैसलमेर रोड पर स्थित है। गजनेर पैलेस जो है वो गजनेर गांव से अंदर की तरफ है और जैसे ही हम उस गेट की तरफ एंटर करते हैं, वहाँ हरियाली को देखकर ऐसे लगता है जैसे हम कोई ऐसी स्थान पर आ गए जहाँ चारों तरफ गहरी हरियाली ही हरियाली। है और पास में उसके एक लेक है जो कि राजस्थान में आने वाले जो टूरिस्ट है उनको काफी मनमोह लेती है। दोस्तों, गजनेर पैलेस वैसे एक हेरिटेज होटल है और आसपास की हरियाली को देखने के बाद ऐसे लगता है जैसे वहाँ पर बार बार आया जाए। दोस्तों, मैं उस रूट पर निकल रहा था तो मैंने सोचा चलो गजनेर पैलेस ही बच्चों को दिखा लिया जाए। चूँकि समर वेकेशन पर विजिट निकला था तो मैंने सोचा चलो गजनेर पैलेस की सैर करा ली जाए। दोस्तों, गजनेर पैलेस के अंदर जैसे ही एंटर करते हैं अंदर लगता है कि वाह, ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ चारों तरफ हरियाली हरियाली और सुनसान लगता है। एक बार तो ऐसे लगता है जैसे एकदम एरिया एकदम सुनसान है, लेकिन जैसे ही अंदर जाते हैं तो ऐसे लगता है कि हम ऐसे स्थान पर आ गए हैं जहाँ कुछ रुककर एक दो दिन बिताया जाए। तो दोस्तों, मैं अपने फैमिली के साथ वहाँ पर घूमने निकला और वहाँ पे वहाँ का जो मोहक दृश्य देखा वो आप लोगों के सामने कुछ वीडियो और कुछ पिक्स के रूप में पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, गजनेर पैलेस का जो होटल है वहाँ पे अभी ऑफ सीजन चल रहा है और ऑफ सीजन में वहाँ इजीली रूम मिल जाता है। मैंने वहाँ पे नाइट होल्ड किया और वहाँ पे मुझे लगा कि हाँ, वहाँ पे सीजन में अगर जाया जाए तो वहाँ पर आपको पहले से ही रूम को बुक कराना पड़ेगा, तभी आपको वहाँ पर जगह मिल पाएगी, अदरवाइज आपको वहाँ जगह नहीं मिल पाएगी। ऑफ सीजन चल रहा था तो मुझे इजी वहाँ रूम मिल गया था। दोस्तों, वहाँ थोड़ा रूम भी कॉस्टली है और वहाँ का रेस्टोरेंट भी काफी कॉस्टली है क्योंकि एक 3-स्टार होटल है। लेक को देखने और वहाँ के आसपास के एरिया को देखने के लिए आते हैं, इसलिए वो पहले से रूम बुक करा के आते हैं। अभी ऑफ सीजन चल रहा था इसलिए मुझे आराम से वहाँ पे रूम मिल गया और मुझे आसपास के एरिया को देखने का मौका मिला। दोस्तों, अगर आपको कभी मौका मिले तो गजनेर पैलेस में आइए, वहाँ का जो होटल है और वहाँ की जो हरियाली है उसको देखने के बाद आपको भी लगेगा कि हमें एक बार और आना चाहिए। चूँकि अभी ऑफ सीजन चल रहा है इसलिए लेक में अभी बारिश का टाइम नहीं है, इसलिए लेक में थोड़ा पानी भी कम है और जब बारिश आएगी तो वहाँ पे लेक जो है वो लबालब भर जाती है और उस समय वहाँ पर देश विदेश के जो पक्षी हैं वो भी वहाँ पर आते हैं और वहाँ का मनमोहक दृश्य देखने के बाद ऐसा लगता है कि हमें बार बार वहाँ आना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से कुछ पिक्स और कुछ वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी, अगर आपको मौका मिले तो गजनेर पैलेस में आइए और देखिए वहाँ का नज़ारा। तो दोस्तों, आज का मैं जो वीडियो है एक ब्लॉग के रूप में ही आपको पेश कर रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। नाइस विजिट। अब वीडियो बना ले जोरदार। हाँ, वीडियो ही बना रहा हूँ। नाइस विजिट गजनेर पैलेस।
नहीं अच्छा था, बहुत मजे आए। कितने मजे आए ना मन्नू? तो रूम बहुत अच्छा था। पता है वो ये 5-star होटल है। पापा स्विमिंग पूल चलो। नो हॉर्न प्लीज, वो जाग नो हॉर्न प्लीज, वो जाग जाएंगे। और अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में एक बेल आइकन उसको जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।